सब्सक्राइब कीजिए नॉलेज दर्पण चैनल को और दबाइए इस घंटी वाले बटन को हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप एक ही मोबाइल में दो व्हाट्सएप कैसे चला सकते हैं। दोस्तों, हम यहां पर आपको दो तरीके बताने वाले हैं, दोनों में से कोई एक तरीका आपके काम आने वाला है। तो फ्रेंड, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। हाय फ्रेंड, आप देख रहे हैं नॉलेज दर्पण चैनल और इस वीडियो के साथ मैं हूँ वीरेंद्र कुमार। तो चलिए फ्रेंड, हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड, वैसे तो जो भी मोबाइल चलाते हैं, जो भी स्मार्टफोन चलाते हैं, वो सारे लोग लगभग व्हाट्सएप तो चलाते ही हैं। एक व्हाट्सएप तो हर कोई चलाता है। फ्रेंड, जो भी एक व्हाट्सएप चलाता है उन्हीं को ही हो सकता है दो व्हाट्सएप एक मोबाइल में चलाने की आवश्यकता हो, और जो व्हाट्सएप चलाता ही ना हो उन्हें दो व्हाट्सएप की क्या ज़रूरत। तो फ्रेंड, यहाँ पर एक व्हाट्सएप तो आप अपने मोबाइल में चलाते ही होंगे। आप व्हाट्सएप को अपने प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेते हैं, व्हाट्सएप मैसेंजर को, उसके बाद आप वहां से व्हाट्सएप बना लेते हैं और आप चलाते हैं। लेकिन जब आप दूसरा व्हाट्सएप बनाते हैं तो आपको समस्या होती है, आप दोस्तों व्हाट्सएप चलाने में दिक्कत आती है। तो यहां पर हम दूसरे व्हाट्सएप की बात करने वाले हैं, दूसरे व्हाट्सएप को आप कैसे यूज कर पाएंगे। दोस्तों, यहाँ पर आप हमारे मोबाइल की स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर हमारा एक व्हाट्सएप बना हुआ है पहले से, जो कि हमारे एक सिम पर काम करता है। दोस्तों, एक स्मार्टफोन में आप जानती हैं दो सिम तो कम से कम लगता ही है, तो एक नंबर पर हमारे ये व्हाट्सएप बना हुआ है। आप यहां देख सकते हैं ये व्हाट्सएप पूरी तरह से चल रहा है। अब यहां पर हम अपने मोबाइल में दूसरा भी व्हाट्सएप बनाएंगे और दूसरा जो दूसरा सिम इसमें लगा है उस नंबर से हम दूसरा व्हाट्सएप बनाएंगे। तो फ्रेंड, इसके लिए आपको करना क्या है कि सबसे पहले आपको अपनी मोबाइल की सेटिंग को खोल लेना है। तो चलिए दोस्तों, हम यहाँ अपनी मोबाइल की सेटिंग खोल लेते हैं। उसके बाद दोस्तों, यहाँ आपको नीचे आना है। नीचे दोस्तों आपको ध्यान देना है, आपको एक सेटिंग मिल जाएगी जिस पर लिखा होगा क्लोन ऐप्स। दोस्तों, हो सकता है यहाँ पर आपको क्लोन ऐप की जगह पर डबल ऐप भी लिखा मिल सकता है, तो आप इस ऐप इस ऑप्शन को ढूंढ लीजिएगा कि यह कहाँ पर है। तो आपको अगर क्लोन ऐप दिखे तो आपको इसी पर क्लिक करना है। फ्रेंड, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको दो तीन एप्लीकेशन देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमारे में इस समय व्हाट्सएप और फेसबुक दिख रहा है। तो दोस्तों, हमें व्हाट्सएप के जो ऑप्शन दिख रहा है, व्हाट्सएप के सामने आपका ऑप्शन दिख रहा है, हमें इस व्हाट्सएप पर क्लिक कर देना है। उसके बाद फ्रेंड, यहाँ पर इनेबल ऐप क्लोनिंग, इसको हमें इनेबल कर देना है। तो फ्रेंड, यहाँ पर हम प्रेस करते हैं और ये देखिए ग्रीन हो जाता है। उसके बाद फ्रेंड, हम अपने मोबाइल में फिर से होम स्क्रीन पर आ जाते हैं और यहाँ देखते हैं, ये देखिए हमें यहाँ पर एक व्हाट्सएप क्लोन का एक ऐप यहाँ देखने को मिल जा रहा है। आपको मैं यहाँ दिखा देता हूँ, जो पहले हमारा व्हाट्सएप है वो यहाँ पर है, इसको भी हम यहीं पर ले आते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पर हमारा दूसरा भी व्हाट्सएप यहाँ पर आ गया, जो हमने अभी वहाँ से सेटिंग हमने चालू की थी। फ्रेंड, यहाँ पर ध्यान दीजिए कि अगर आपके मोबाइल में सेटिंग में ये ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो आप अपने मोबाइल के सॉफ्टवेयर को एक बार अपडेट कर लीजिए, हो सकता है आपको ये ऑप्शन देखने को मिल जाए। उसके बाद फ्रेंड, आपको करना क्या है कि यहाँ पर आपको दूसरे वाले व्हाट्सएप पर अब क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपको पूरा प्रोसेस यहाँ देखने को मिल रहा है, पहले की तरह जैसे आप पहला व्हाट्सएप बनाते थे वो इस प्रकार से आप यहाँ से अब बना सकते हैं। तो चलिए, मैं एग्री एंड कंटिन्यू पर नीचे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद फ्रेंड, यहाँ पर हम अपना मोबाइल नंबर प्रेस कर देते हैं, इंटर कर देते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप अपना कंट्री सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद मोबाइल नंबर एंटर कीजिए, उसके बाद यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर हम नेक्स्ट पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद फ्रेंड, ये देखिए इसे कंफर्म कर लीजिए आप अपना नंबर। उसके बाद फ्रेंड, यहाँ पर ऑटोमेटिक ओटीपी आएगा और ये वेरीफाई हो जाएगा। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमें ओटीपी आ गया है, तो हमने यहाँ ओटीपी एंटर कर दिया और इसे वेरीफाई कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पर हम अपना नाम लिख सकते हैं।
उसके बाद आप यहाँ पर इमेज भी लगा चाहे तो लगा लें, फ़िलहाल मैं इस समय इमेज नहीं लगाऊंगा। उसके बाद यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक कर देते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा व्हाट्सएप पूरा बनकर तैयार हो गया। अब यहाँ से हम दूसरा व्हाट्सएप हमारा यहाँ से बन गया। अब यहाँ से हम चैट वगैरह कर सकते हैं, सब कुछ यहाँ से देख सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ आप देख सकते हैं, आपका हमारा पहला व्हाट्सएप यहाँ पर है और दूसरा व्हाट्सएप भी हमारा यहाँ बन गया दूसरे नंबर पर। तो फ्रेंड, इस प्रकार से आप जो है यहाँ पर दूसरा व्हाट्सएप आप अपने मोबाइल में बनाकर चला सकते हैं। अब फ्रेंड, यहाँ पर हम बात करते हैं दूसरे तरीके की। दोस्तों, अगर आपके मोबाइल में आपके सेटिंग में क्लोन ऐप का ऑप्शन नहीं मिलता है, तब आपको क्या करना है? तब फ्रेंड, आपको अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में आ जाना है। उसके बाद फ्रेंड, यहाँ प्ले स्टोर के सर्च बार में आपको टाइप करना है नॉक्स ऐप प्लस। उसके बाद फ्रेंड, इस एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड कर लेना है। फ्रेंड, इस एप्लीकेशन का लिंक हम अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां से टच करके सीधे इस ऐप पर आ सकते हैं और इसे डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड, इसे डाउनलोड करने के बाद इसे ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद फ्रेंड, यहाँ पर थोड़ा आप वेट कर लीजिए जब तक ये लोड होता है। उसके बाद फ्रेंड, यहाँ नेक्स्ट स्टेप का ऑप्शन दिख जाएगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर फ्रेंड आपको एक दो एप्लीकेशन देखने को मिल जाएगा, इसमें आपको व्हाट्सएप भी देखने को मिलेगा। अब आपको यहाँ व्हाट्सएप के ऊपर यहाँ जो एक करेक्ट का जो चिन्ह बना है, आपको इस पर टच कर देना है, उसको ब्लू कर लेना है। उसके बाद फ्रेंड, यहाँ पर ट्राई नाउ पर क्लिक कर देना है। उसके बाद फ्रेंड, यहाँ पर आपको व्हाट्सएप का ऑप्शन दिख जाएगा। अब फ्रेंड, यहाँ से आप टच करके इसे आपको यहाँ से आपका व्हाट्सएप जो है बना लेना है। तो यहाँ से आप व्हाट्सएप बना सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ में। तो फ्रेंड, इस प्रकार से आप अपने एक मोबाइल में दो व्हाट्सएप चला सकते हैं। तो फ्रेंड, प्लीज़ अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फ्रेंड, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।